हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड कंपनी। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा कि ये कपड़ा बनाने का काम करती है। ये पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर हो गया, पॉलिस्टर चिप हो गया, और जो यार्न होता है वो बनाने का काम करती है। ये यार्न यानी रेशम जो कि कपड़ा बनाने में यूज होता है। ये स्टेबल फाइबर अपने ब्रांड जेलिने के अंडर बनाती है। इसके प्लांट की कैपेसिटी 36,000 मैट्रिक टन पर ईयर है। इस कंपनी को 1970 में स्थापित किया गया था, लेकिन अब इस कंपनी का जो मुख्य फोकस है वो रियल इस्टेट में है। कंपनी परचेजिंग, सेलिंग, लीजिंग एंड डेवलपिंग रियल इस्टेट। इसमें लैंड, प्लॉट, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, वेयर हाउस, रेजिडेंशल, कॉमर्शल, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको खरीदने और बेचने का काम ये करती है। ये क्या काम करती है, प्रॉपर्टी को बेचती है और जो पैसा आता है उससे उस पैसे को ये बिजनेस में लगाती है। जैसे कि कोई इंडस्ट्री हो गया या कोई और भी जो ग्रोइंग सेक्टर है उसमें ये पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो ये तो था इसका बिजनेस मॉडल। इसकी जो मार्केट कैप है वो 131 करोड़ की है। इसका जो बॉन्ड वीक का हाई है वो 63.80 पैसे है और इसका जो लो है 4.28 पैसे है। अगर कंपनी की अप्रोच देखोगे तो इसने अपना जो कर्जा है वो कम किया है। लगभग कह सकते हैं कि एक डेट फ्री कंपनी है और इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 86.4% की है पिछले 5 सालों में। अगर सेल्स की बात करें, जून क्वार्टर में कंपनी ने 13.69 करोड़ की सेल्स की है। सितंबर 2022 में कंपनी ने 4.48 करोड़ की सेल्स की है और इसकी जो अदर इनकम है वो भी 43 लाख, 35 लाख, 31 लाख क्वार्टर वाइज हो जाती है। और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये देखिए 3 करोड़ 64 लाख, 10 करोड़ 62 लाख, 28 करोड़ 94 लाख। तो कंपनी लगातार जो प्रॉफिट है वो जनरेट करने लग रही है। अगर इसके ऊपर कर्जे की बात करें तो ये देखिए, जहाँ पहले 16 करोड़ का कर्जा होता था, फिर उसके बाद 2 करोड़ का कर्जा था, अब कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। और अगर आप इसकी रिजर्व कैपिटल देखोगे तो जो इसकी जो रिजर्व को जो कैपिटल है वो पहले 48 की थी, फिर 36 की, 38 की, 12 की, अब जो इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो 2 की है। जहाँ पहले इसकी जो रिजर्व कैपिटल थी वो पहले माइनस में होती थी, अब जो कंपनी की जो रिजर्व जो कैपिटल है वो 2 करोड़ की है और पॉजिटिव है। अगर आप इसकी प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो ये देखिए, इसमें जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 63.20% की बनी हुई है काफ़ी लंबे समय से। और अगर आप DII और गवर्नमेंट की होल्डिंग देखोगे तो इसमें जो DII की जो होल्डिंग है वो 0.06% की है और जो गवर्नमेंट है उसकी जो होल्डिंग है 0.01% की बनी हुई है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो इसके 3 साल के रिटर्न 356.46% के हैं, 1 ईयर के रिटर्न 314.71% के हैं और 3 मंथ के नेगेटिव 9.45% हैं और 1 मंथ के 17.31% के रिटर्न इसने दिए हैं। अगर इसमें वॉल्यूम की बात करें तो 1 महीने की जो एवरेज है वो इसमें 6,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 5,000 की क्वांटिटी डिलीवर क्वांटिटी है। 1 वीक में 8,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 6,000 की क्वांटिटी डिलीवर क्वांटिटी है। और ऐसे इसमें 10 जनवरी को 8,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और जो डिलीवर क्वांटिटी है वो 6,000 की है। अच्छा, बात करते हैं इसको बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, कि अभी ये 33 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। इसके जो एडवांटेज हैं वो ये हैं कि इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है लगभग 63% की है। इसकी जो सेल्स है वो लगातार बढ़ने लग रही है, अपनी क्वार्टर वाइज सेल्स करने लग रही है, इसके कारण इसका जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ने लग रहा है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि इसमें जो कंपनी है लगभग डेट फ्री है, यानी कि कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। जहाँ पहले इसके ऊपर कर्जा होता था वह कंपनी अब बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है। नंबर 4, जो रिजर्व जो कैपिटल है जहाँ पहले नेगेटिव होती थी वहाँ पर अब इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वहाँ पर अभी पॉजिटिव आ गई है। और इसकी जो डिसएडवांटेज है वो यह है कि इसमें जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम ट्रेड होती है, लगभग इसमें 10-12 हज़ार की वॉल्यूम है वो ट्रेड होती है। तो ओवरऑल दोस्तों ये एक बेहतरीन स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक लॉन्ग टाइम पर्पज से इसको बाय करें और आप इसको कम से कम 2 से 3 साल तक आप इसको होल्ड करें तो आपको इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नो डाउट की कंपनी एक फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सो दोस्तों, ऐसे ही पेनी स्टॉक के बारे में और अधिक जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।